अगर आपका एलईडी बल्ब इस तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। यहां पर मैं आपको पहले ये एलईडी बल्ब दिखा देता हूं। ये कॉम्पैक्ट का 7 वॉट का एलईडी बल्ब है। यहां पर कस्टमर द्वारा परचेज की गई डेट डली हुई है और यहां पर इस एलईडी बल्ब को खोलने के लिए ये डिफ्यूजर जो है इसे हमें निकालना होगा। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो इस तरह से मैं डिफ्यूजर जो है उसे निकाल देता हूं और यहां पर हमें सबसे पहले इसकी एमसीपीसीबी दिख रही है। डिफ्यूजर अलग रख देते हैं और एमसीपीसीबी को आपको गौर से देखना है। यहां पर आप देखेंगे इसकी एसएमडी जो है वो हमें ठीक दिख रही है, हालांकि कुछ हीट हुई है लेकिन फिर भी एसएमडी सही है। चलिए इसे दोबारा से मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहां पर आप देखेंगे इस तरह की ब्लिंकिंग जो है ये एलईडी बल्ब कर रहा है, तो एसएमडी दिखने में सही लग रही है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बार फिर से पावर मॉनिटर में चेक करके दिखा देता हूँ। पावर मॉनिटर में आप पावर को फ्लक्चुएट होता हुआ देखेंगे, चूंकि ये एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है तो यहाँ पर 2.5 वॉट तक पावर मैक्सिमम ये एलईडी बल्ब कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम ये हीट सिंक जो है इसे बाहर करेंगे, चूंकि यहीं पर हमारी एमसीपीसीबी कनेक्ट है और यहाँ पर हमें स्पेस देखना है, थोड़ा सा स्पेस हम बना के और ये जो हीट सिंक है इससे निकाल देंगे। तो इस तरीके से निकालने के बाद हमें अंदर ड्राइवर जो है वो दिखाई देगा। अब हमें ड्राइवर भी बाहर करना है, तो ड्राइवर बाहर करने के लिए हमें इसके जो कनेक्शन है B22 कैप के साथ में, यहाँ पर हमें सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे मेल्ट करना होगा, जिसके बाद हम इसका ड्राइवर जो है उसे बाहर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इस तरह से इसका ड्राइवर जो है उसे बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका ड्राइवर जो है उसे हमने बाहर कर लिया है। और यहाँ पर हम सबसे पहले मैन्युअली कंपोनेंट देखते हैं, कोई भी कंपोनेंट हमें खराब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एसएमडी कंपोनेंट है और इस साइड पे ये जो कंपोनेंट है ये डिप कंपोनेंट है और ये भी सही है। दिखने में आपको कंपोनेंट सही लगेंगे लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये कैपेसिटर होता है जो वीडीडी पिन के साथ में लगा होता है, यानी आईसी की जो वीडीडी पिन है पिन नंबर 3 उसके साथ में जो कैपेसिटर लगा है यही स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम इसे ही निकाल कर और चेक करेंगे और साथ ही मैं रिप्लेस करके भी आपको टेस्टिंग जो है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं, फिर मैं इसकी वैल्यू जो है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आप देख पाएंगे 4.7 माइक्रोफेरड और 63 वोल्ट का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। और इसकी जगह पे आप सेम वैल्यू या 50 वोल्ट 4.7 या 2.2 का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे एलसीआर मीटर से आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस तरह से इसे एलसीआर मीटर के साथ कनेक्ट किया और मैं अब इसकी वैल्यू जो है उसको आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एलसीआर मीटर जो है इसकी क्या वैल्यू देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एलसीआर मीटर द्वारा इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 4.568 माइक्रोफेरड दी गई है, जो कि यहाँ पर चूंकि नैनो फेरड में आपको दिखा रही तो मैंने माइक्रो फेरड में इसकी वैल्यू जो है वो बता दी है। यहाँ पर एलसीआर मीटर में और भी पैरामीटर्स शो होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम रिप्लेस करने वाले हैं इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरड का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसे अब मैं आपको एलसीआर मीटर से ही टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है और दूसरे पैरामीटर्स भी आप यहाँ पर गौर करिएगा। यहाँ पर हमारा एलसीआर मीटर इसकी वैल्यू 4.669 माइक्रोफेरड दे रहा है, साथ ही ईएसआर वैल्यू 2.9 ओम और वोल्टेज लॉस 0.8% दिखा रहा है। अब मैं फिर से आपको पहले वाला जो हमने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ड्राइवर से निकाला था उसका वैल्यू जो है उसके पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम फिर से इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं जिससे कि आप कंपेरिजन कर पाएंगे कि क्या स्थिति है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमारा खराब है या नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसकी कैपेसिटेंस है, ईएसआर वैल्यू 3.4 ओम आ रही है और वोल्टेज लॉस काफ़ी ज़्यादा 2.2% है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरड का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है रिप्लेस कर देता हूँ, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे और देखेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है हमने रिप्लेस कर दिया है और अब हम इसे जो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं उन्हें कट कर देते हैं, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसमें पहले लगा था वो ठीक था, फिर भी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है उसे रिप्लेस किया है। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जो वोल्टेज लॉस है वो
ज्यादा टाइम होने पे, यानी उसका एक कैपेसिटर का टाइम पीरियड होता है, उसके ज्यादा समय बीतने पर कैपेसिटर जो है वो वीक हो जाते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हालांकि फिर भी वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सही था। और यहाँ पर अब हम सीरीज में इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं सीरीज बल्ब जो है होल्डर में प्लग करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब भी ब्लिंकिंग की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने स्विचिंग कैपेसिटर जो है उसे रिप्लेस किया था, लेकिन हमारी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर हम ड्राइवर में ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन इस साइड पे एक और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि आप बड़ा सा देख पा रहे हैं, ये 100 माइक्रोफेरेड और 80 वोल्ट का है। यहाँ पर 100 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट के भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हो सकते हैं। ये 80 वोल्ट का है चूंकि ये 7 वाट का ड्राइवर है। इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं, इसके भी खराब होने के चांस रहते हैं और इसे भी हम LCR मीटर से ही टेस्ट करके देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है काफ़ी दिन तक यूज़ होने के बाद इनकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कुछ थोड़ा सा फॉल्टी हो सकते हैं, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है हमें सही वैल्यू लगभग दे रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 101 माइक्रोफेरेड के करीब इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है। चलिए फिर भी हम इससे रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या हमारा LED बल्ब ठीक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, चलिए इसे हम रिप्लेस करते हैं। मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में फॉल्ट क्या होगी। यहाँ पर मैं आपको इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को रिप्लेस करने के बाद ड्राइवर को फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं इसे फिर से सीरीज में ही कनेक्ट कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जब भी आप रिप्लेस करें तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान दें। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने सीरीज में इसे कनेक्ट किया और अब भी हमारा जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम रिप्लेस कर चुके हैं, इसका जो मेन आउटपुट का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है उसे और स्विचिंग वाले को जो कि पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ड्राइवर में एक और छोटा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हो सकता है या उसकी जगह पे SMD कैपेसिटर जो है ये जो कि पिन नंबर 1 पर लगा होता है ये लगा होता है, इसे आपको रिप्लेस करना होगा। तो SMD कैपेसिटर अगर लगा है तो उसकी जगह पे आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लेस करने का तरीका, इस साइड की पिन आप देखेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा था, ये हमारा ये वाली टैक यानी ये जो बड़ा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसकी निगेटिव पिन जो है इस ट्रैक तक आई है। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर रिप्लेस करना है वो है 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेड, या आप 4.7 माइक्रोफेरेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो निगेटिव लेग है उसको आप जो कि मैंने आपको ट्रैक अभी दिखाई थी उस ट्रैक के साथ में कनेक्ट करना है। तो वो ट्रैक निगेटिव है तो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उन्हें हम कट कर देते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की लेग्स पे हम थोड़ा सा सोल्डर जो है उसे सोल्डिंग आयरन की मदद से लगा देते हैं जिससे कि सोल्डिंग जो है वो अच्छे से हो सके। तो अब हम इसे इस तरीके से इस साइड पे नहीं लगाएंगे, इसको इस साइड पे ऐसे लगाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको विशेष ध्यान देना है, ट्रैक्स जो है आप थोड़ा सा ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन साइड नेगेटिव है और कौन साइड पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है हमने लगा दिया है SMD कैपेसिटर निकालने के बाद। चलिए एक बार फिर से हम टेस्टिंग करते हैं और यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है आप देख पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फिर से सीरीज में टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे अब भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हमारा ड्राइवर है वो उसके सभी कंपोनेंट सही थे और फिर भी उसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी। तो ऐसी स्थिति में जो SMD है जो कि MCPCB में लगी होती हैं उनके ड्राई सोल्ड होने के कारण भी कई बार ये स्थिति आती है। हो सकता है कुछ देर सही से जलने के बाद कुछ देर बाद ब्लिंकिंग करने लगे, तो ऐसी स्थिति जो है वो ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम की वजह से आती है और यहाँ पर वही स्थिति हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MCPCB ही रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी जो MCPCB में कनेक्शन है ड्राइवर के उनको हम पहले निकालते हैं, फिर इसमें जो स्क्रू लगे हैं इन स्क्रूज को हमें निकालना होगा, जिसके बाद ये MCPCB जो है हम इस हीट सिंक से निकाल पाएंगे। तो मैं ये बाद में प्रोसेस करूंगा, पहले मैं यहाँ पर ये 9 वाट की MCPCB जो है इससे ही डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको टेस्टिंग जो है वो करके दिखा दूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए
कि एमसीपीसीबी वास्तव में खराब थी या नहीं थी। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ड्राइवर का रेड वायर कनेक्ट कर देते हैं एमसीपीसीबी के साथ, और जो निगेटिव वाला पॉइंट है उससे हम ये दो एसएमडी छोड़ के इस जगह पे एमसीपीसीबी में ट्रैक को स्क्रैच करके निगेटिव पॉइंट बना लेते हैं। चूँकि इस ड्राइवर का जो आउटपुट है वो 7 SMD LED जो कि 9 वोल्ट की है और टोटल वोल्टेज जो है उतना ही आउटपुट करेगा, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स लगाने के बाद उस जगह पे सोल्डर जो है वो लगा दिया है, जिससे कि वो पॉइंट जो है बन चुका है जहाँ पे हमें निगेटिव ड्राइवर का जोड़ना है। तो इस तरह से हमने ड्राइवर जो है MCPCB के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इस ड्राइवर को चेक करके दिखाता हूँ इसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम सीरीज के साथ में इसे कनेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और मुख्य कारण जो है इसमें MCPCB ही थी। MCPCB में जो SMD LED लगी हैं वो ड्राई सोल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। तो इस तरह से ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है उसके कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, और सभी तरह के रीजन जो है आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिए होंगे। यहाँ पर हमने इसे 7 LED के बाद जो निगेटिव है वो दिया था। अब मैं MCPCB के जो निगेटिव पॉइंट है उसी के साथ में आपको कनेक्ट करके ये भी क्लियर कर दूं कि इसमें 9 वॉट की अगर MCPCB को कनेक्ट करेंगे तब भी ये LED बल्ब जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये 7 वॉट का LED बल्ब है और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम है। ऐसी स्थिति में भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी। तो आपके सभी कन्फ्यूजन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे कि ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है उसे कैसे सॉल्व करना है और किन किन वजहों से ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। MCPCB की SMD LED अगर वीक हो जाती है ऐसी स्थिति में भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, और ड्राई सोल्ड होती है ऐसी स्थिति में भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो आती है। चलिए अब हम इस LED बल्ब की पुरानी MCPCB को निकाल कर नई MCPCB इसमें लगाने के बाद और LED बल्ब को कम्प्लीट फिक्स कर देते हैं, इसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से इस LED बल्ब में नई MCPCB जो है उसको लगा दिया है और उसको 7 वॉट ही रखा है, 9 वॉट की थी लेकिन हमने उसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, 7 वॉट का पॉइंट जो है उसे हमने बना लिया था जैसा कि आपने देखा। और अब हम इसे हाउसिंग में फिक्स करते हैं और उसके बाद फाइनल टेस्टिंग जो है वो करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो जीरो लैब द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का कैटलॉग लिंक दिया गया है जहां पर आप अपने जरूरत के रिपेयरिंग के कंपोनेंट जो है सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये LED बल्ब जो है प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है, किसी भी तरह की कोई ब्लिंकिंग नहीं है और 6.6 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी ये लगभग 7 वॉट पावर भी कंज्यूम कर रहा है जो कि इस LED बल्ब पे मेंशन है, क्योंकि ये 7 वॉट का ही LED बल्ब है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो कि LED बल्ब में आती है के सभी तरह के फॉल्ट की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।